मेहमान पूजा ये फ्रॉम इजी वास्तु। आज हम एक्चुअली जानेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों का कंसंट्रेशन एंड फोकस बढ़ा सकते हैं वास्तुशास्त्र की मदद से। एक्चुअली वास्तुशास्त्र में बहुत ही डिटेल प्लान दिया गया है अपने बच्चों का, टेबल कहाँ रखें, उसे कैसे आप सजाएं या बुक्स कहाँ पर रखें, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है वास्तुशास्त्र में कैसे आप बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन एक्चुअली आज हम खाली 3 टिप्स के बारे में बात करेंगे। जो मैं आपको 3 टिप्स दूंगी वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए एंड आप अपने बच्चों की पढ़ाई में ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सो लेट्स सी वो 3 टिप्स क्या हैं। सो टिप नंबर 1 ये है कि आपका बच्चा जब भी पढ़ाई करे वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में देखना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका टेबल नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, सो एटलीस्ट जब भी आपका, मान लीजिए अगर आपका टेबल है वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में या किसी भी कोने में आता है, सो अपने बच्चे से कहिए कि जब भी वो कुछ लर्न कर रहा है या पढ़ रहा है तो अपनी चेयर को थोड़ा सा टिल्ट करके नॉर्थ या ईस्ट में देखे। इससे आपके बच्चे के फोकस और कॉन्सेंट्रेशन में बहुत इफ़ेक्ट आएगा। सेकेंड टिप ये है कि जब भी आपका बच्चा अपने टेबल पर बैठ कर पढ़ाई करता है, सो आप ये ध्यान दें कि उसका टेबल बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हों, क्योंकि ये अगर आपका बच्चे का टेबल ऑर्गेनाइज नहीं है, बुक्स यहाँ वहाँ पड़ी हैं, टेबल पर मैल है एंड जो ड्रॉर्स हैं वो भी काफ़ी मेस्ड अप हैं, सो इससे आपके बच्चे में कन्फ्यूजन पैदा होती है एंड उसके कॉन्सेंट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है अगर आप अपने बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं। तीसरी टिप ये है कि आपके बच्चे का जहाँ पर भी टेबल आता है घर में, आप वहाँ पे लैंप लगाएं या वो टेबल को बहुत ज़्यादा लाइटन अप रखें। क्योंकि बहुत बार जब हम क्लाइंट के घर पे विज़िट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि घर में या कमरे में टेबल तो है बट लेकिन एक ही ट्यूबलाइट जल रही है एंड बच्चे की टेबल पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है एंड वो बस उसी लाइट की रिफ्लेक्शन से थोड़ा बहुत पड़ रहा होता है। सो ये वास्तुशास्त्र में बिल्कुल भी एडवाइस नहीं किया जाता है। हमेशा कहते हैं कि जब भी आपका बच्चा टेबल पर बैठकर पढ़े, चाहे वो इवनिंग हो या डे टाइम हो, अगर वहाँ पर रोशनी कम है सो वहाँ पर आप लाइटनिंग कीजिए, आप वहाँ पे लैंप लगाइए या स्पॉटलाइट का अरेंजमेंट कीजिए, समथिंग दैट ब्राइटन अप्स दैट एरिया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर वास्तुशास्त्र। सो ये थी आपकी 3 टिप्स अपने बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की। सो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।